कांगड़ा जिला में संचालित निजी अस्पतालों में अनियमितताओं पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा राजा का तालाब स्थित दो निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जहां एक निजी अस्पताल को सील कर दिया गया, वहीं दूसरे निजी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील करने सहित रिकॉर्ड को कब्जे में लिया गया है। जिला में संचालित निजी अस्पतालों में जरूरत अनुसार सुविधाएं न होने व अनियमितताओं की शिकायत स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी, जिस पर सीएमओ जिला कांगड़ा डॉक्टर आरएस राणा व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरिया सहित विभाग की टीम ने राजा के तालाब के दो निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिस निजी अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर कब्जे में लिया गया है, उसकी जांच में कई खामियां सामने आई हैं। इस दौरान टीम ने इस अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स की डिग्री को भी जांचा है। ये कार्रवाई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और PCPNDT एक्ट के अनुसार जरूरत पूरी न करने वाले अस्पतालों पर की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से पहले ही राजा के तालाब के एक निजी अस्पताल द्वारा उसे बंद कर ये अस्पताल अस्थायी रूप से बंद करने का पोस्टर चिपकाया गया था, जिस पर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस अस्पताल को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। गौरतलब है कि इस अस्पताल को विभाग की ओर से नोटिस जारी करते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ना तो अस्पताल प्रबंधन ने सुविधाएं जुटाई और ना ही नोटिस का जवाब दिया। नोटिस की अवधि समाप्त होने के उपरांत विभाग की टीम ने इस अस्पताल की स्थायी रूप से ही बंद करने की बात की है। सीएमओ डॉक्टर आरएस राणा ने बताया कि राजा का तालाब में दो निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। कोई भी निजी अस्पताल जो कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं PCPNDT एक्ट के अनुसार जरूरतें पूरी नहीं करता है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। सीएमओ ने बताया कि एक अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को भी सील कर रिकॉर्ड को कब्जे में लिया गया है, जबकि दूसरे अस्पताल को बंद कर दिया गया है। जिस अस्पताल को बंद किया गया है उसे पूर्व में नोटिस दिया गया था कि उनको जो है अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देगी, और उसके मद्देनजर उसको रखते हुए जो आज जो है कि इन दो हॉस्पिटल्स में सूर्या हॉस्पिटल और अमामी हॉस्पिटल में जो है कि औचक निरीक्षण किया गया। सूर्या हॉस्पिटल में भी कमियां पाई गई हैं, उनका जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उसको जो है सील कर दिया गया है, और वहाँ पे एक कर्मचंद नाम का जो पीछे अखबारों में पीछा पता उसके जो है सारा रिकॉर्ड सील करके उसकी जो इंक्वायरी की गई है, उसका सारा बाकी का रिकॉर्ड भी सील किया है। वहाँ भी हॉस्पिटल को एक नोटिस दिया गया था कि इसको जो है कि स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए और रिक्वायरमेंट पूरी है। वो अपना कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाया। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द नोटिस जो है कि आज उसको स्थायी रूप से जो है कि विभाग ने उसको बंद कर दिया गया। सर देखने में ये आ रहा है कि जो अस्थायी रूप से जब आपकी टीम यहाँ आई तो अस्थायी रूप से इन्होंने पहले ही जो है बंद लिखा था, लेकिन ऐसा लगा कि इन्होंने आज ही जो है वो ये जो नोटिस चिपकाई आज की है तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं 15 तारीख को भी आया था, 15 तारीख को भी ये चीजें जो है कि यहाँ लगी हुई थी, जो इन्होंने नोटिस बोर्ड पे चिपकाया हुआ है कि हॉस्पिटल अस्थायी रूप से बंद है, वो मेरे मोबाइल में कैद है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आज ही किया। आज जो है कि हमने जो है कि अपने तरफ से आदेशानुसार जो है कि वो हमने जो है कि पोस्टर चिपकाया हुआ है कि आगे से जो है कि इसको बिल्कुल भी जो है कि खोला ना जाए। सर ये जो कार्रवाई की गई है आज, क्या ये कर्मचंद मामले में जो लापरवाही बरती गई है हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा उसको देखते हुए और सरकार के आदेशानुसार ये कार्रवाई हो रही है? वो भी एक हिस्सा है, मगर ये सरकार के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ऑनरेबल विपिन परमार जी हैं, उनके आदेशों के अनुसार उनको बार बार जो है ऐसे एजेंट की जो है कंप्लेंट्स मिल रही थी, तो उनको उनके आदेशों का पालन करते हुए ये कार्रवाई की गई है, और ये भविष्य में जो ऐसी कार्रवाई जो है कि कंटिन्यू रहेगी जाएगी, ताकि लोगों को जो है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा जो है कि मिल पाए इवन प्राइवेट में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसमें देखने में आया कि अल्ट्रासाउंड में काफी सारी जो आपकी एक्सरे मशीन्स होती हैं, तो
यहाँ संदेह पैदा हुआ है कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के जो केसेस हैं वो होते हैं, क्या इस पूरे मामले पे क्या कहना है आपका? सर ऐसा है कि जो आप पूछ रहे हैं इसके बारे में मैं यही बता पाऊंगा कि मेरे भाई की दो लड़कियां हैं, ठीक है, अगर हमने ऐसा ही कुछ करवाना होता तो उनका ना करवाते।